पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, मौसम पर तो किसी का कंट्रोल नहीं होता है, कितनी बारिश होगी कितनी नहीं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इसके लिए आपदा प्रबंधन किया जाता है, इसके लिए बीएमसी होता है। हर बार मुंबई में इसी तरह से बारिश होती है, इस बार हालांकि 46 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, लेकिन इसके बावजूद तस्वीरें डराने वाली है। बीएमसी जो दावे करती है, क्यों हर बार उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं? जी हाँ नेहा, बिल्कुल सही कहा आपने, बीएमसी जिम्मेदार है, बीएमसी को जवाब देना ही पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ग्राउंड जीरो में क्या स्थिति है, मैं आपको सबसे पहले वो दिखा देना चाहता हूँ। बारिश तो इस वक्त नहीं हो रही है, लेकिन मुंबई वासियों के लिए मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। इस वक्त मैं ईस्टर्न फ्रीवे में मौजूद हूँ और यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ दर्शकों को वो बताना चाहता हूँ। करीब 150 से 200 गाड़ियाँ हैं जो पूरे ईस्टर्न फ्रीवे को कवर किए हुए हैं और रास्ता अवरुद्ध हो गया है। देखिए, चाहे वो मुंबई की काली पीली गाड़ियां हो या फिर प्राइवेट व्हीकल्स क्यों ना हो, यहां पर लोगों ने कल रात अपनी गाड़ियां यहीं पर छोड़ दी और चले गए। दूसरी तरफ मैं साउथ मुंबई की तरफ से जो ईस्टर्न फ्रीवे शुरू होता है वहां से आपको कुछ तस्वीरें दिखा देना चाहता हूं। ये देखिए, तमाम यहां पर जो गाड़ियां हैं वाटर लॉगिंग के चलते या तो खराब हो गई या इसके अंदर जो चलाने वाले थे नेहा, उन्होंने ये बेहतर समझा कि अपनी जान बचा ली जाए और ये थोड़ा सा हायर एरिया है, यहाँ पर अपनी गाड़ी लगा दी जाए और जान बचाकर भागा जाए। कई इलाकों में मैं देख रहा हूँ नेहा कि कई पेड़ भी गिरे हुए हैं। कल बीएमसी ने जानकारी दी, करीब 140 उसको ऐसी शिकायतें आई थी कि जहाँ पर पेड़ गिरे हैं या फिर शाखें गिर गई हैं। यानी बीएमसी के लिए आज के लिए बहुत बड़ा काम है, उसको ना सिर्फ जो रास्तों में पेड़ गिरे हैं उनको देखना है, बल्कि ये ऐसी स्थिति जहाँ पर ट्रैफिक अवरुद्ध हो रहा है क्योंकि कई जगह पर लोगों ने गाड़ियाँ छोड़ दी हैं और चली गए हैं, उसको भी देखना पड़ेगा।